मोदी 3.0 सरकार एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। मोदी सरकार की नजर वक्फ बोर्ड पर है। वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि जल्दी सरकार नए बिल को सदन के पटल पर रखेगी। संशोधन के संकेत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सरकार जहां इसको जरूरी बता रही है तो वहीं विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि बदलाव उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में, वक्फ एक्ट में संशोधन के संकेत, मोदी 3.0 सरकार का पहला टेस्ट, संशोधन में बदलाव की आहट, विपक्षी दलों में क्यों घबराहट। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर केंद्र सरकार के संकेत के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां बदलाव को बेहद जरूरी बता रही है, वहीं विपक्षी दलों ने साफ कर दिया कि बदलाव मंजूर नहीं है, किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने केंद्र सरकार पर मुसलमानों को छेड़ने का आरोप लगाया है। कर रही है सरकार, मुसलमानों को छेड़ रही है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी 370 के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी ज्ञानवापी के नाम पे, कभी मथुरा मस्जिद के नाम पे, ये सरकार छेड़ने का काम कर रही है। इनके मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है कि देश आगे जाए और आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे। आपने देखा पिछले 10 सालों में जितने भी ये कानून लेकर आए सारे मुसलमानों के लिए हैं। जो मेरा हिंदू भाई इनको भर भर के वोट दे रहा है उसके लिए तो एक भी बिल नहीं आया। ये कैसी सरकार है फिर हिंदुओं की, जो हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही है। मेरा कहना ये है कि इन लोगों को काम नहीं करना है, सिर्फ देश में नफरत फैलानी है, देश के अंदर विभाजन करना है, देश को फिर ऐसे दुराहे पे लाके खड़ा करना है कि जहां महंगाई की वजह से लोग मरेंगे, कारोबार न होने की वजह से लोग मरेंगे, हर आदमी परेशान होगा। और वो परेशानी के उसमें जिस तरह से आपने देखा होगा पहले जर्मनी में हुआ करता था, हिटलर ने किया था कि ऐसा वक्त आ जाएगा कि लोग अगर एक वक्त का खाना मिल जाए तो उसको विकास समझेंगे कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये इस हाल में देश को लाके खड़ा कर। वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, कॉलेज खुले, जिससे हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ, इस नियत के साथ वक्फ की संपत्ति होती है। निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से शिकायतें भी आती हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है इलीगल। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर हमेशा हमने पारदर्शी तरीके से सही दिशा में हमारी व्यवस्था चले और मुस्लिम समाज का जो अधिकार है उसकी रक्षा हो, इस नियत के साथ हमेशा हमारी सरकार ने काम किया है। जाहिर है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। जाहिर है कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 1947 से आज तक।
कोई भी, ये जाहिर सी बात है कि जरूरत है इस बात की कि चंद लोगों के अधिकार में आ गई हैं वक्फ की संपत्तियां, उसको उससे बाहर निकाला जाए और जिनकी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्डों में दर्ज हो गई हैं उनको भी उससे निजात दी जाए, उनको निकालकर वापस उनको दी जाए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जाती प्रॉपर्टी को जब वक्फ किया तो उनका मंशा और उसका मकसद ये था कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाए, यूज की जाए। मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क के आज़ाद होने के बाद हमारे पास वक्फ एक्ट मौजूद है, हमारे पास वक्फ बोर्ड मौजूद है, जिसका मकसद और मंशा यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तौर पर तहफ्फुज हो सके, उसका सही नज़्म व नस्क हो सके। अब अगर सरकार की ये मंशा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जे ना हों, वक्फ का संचालन सही रूप से हो सके, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट को मजबूती फराहम करे, वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे और जो भी कब्जे हैं उन कब्जों को छुड़ाने का काम करे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर कब्जे हैं वो वक्फ बोर्ड के तआवुन से छुड़ाए जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार सही नीयत के साथ वक्फ बोर्ड को तआवुन फराहम करे। जहाँ तक सरकारी इमारतें जो वक्फ बोर्ड पर बनी हैं उसमें ये सवाल खड़ा होता है कि उनको कैसे खाली कराया जाए, तो अगर वो खाली नहीं हो सकती है तो उसके लिए लाजमी है कि जो किराया मुनासिब इस वक्त के एतबार से है वो वक्फ बोर्ड में जमा कराया जाए, ताकि फिर से सरकार की मंशा पर कोई सवालिया निशान न खड़ा किया जाए। सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल दे सकती है, संपत्ति मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, सरकार राजस्व की जांच कर सकती है, बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा, महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी, राज्य बोर्ड में दो और केंद्रीय परिषद में दो महिलाएं होंगी, विवादित पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन होगा, वक्फ के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है। मोदी 3.0 सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है, ये केंद्र सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं, इनमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है, इससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वक्फ एक्ट में संशोधन।